पाकिस्तानी में नॉर्वे को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन को दबा तो चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसे हाँ आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ख़ैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशराबाद आमीन सुब आमी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक नया दिन और एक नए ब्लॉग के साथ स्टार्ट करते हैं और ये आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे था जी लास्ट डे ऑफ स्कूल सारिम साहब का और इन्होंने रखी हुई थी एक छोटी सी पार्टी और आपको बताते चलूँ बहुत मज़ा आया हम लोगों ने बनाए थी कप केक्स और यहाँ पे बच्चे जो हैं खेल रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स वगैरह थी इनका डांस वगैरह जो था जो इन्होंने स्कूल में परफॉर्म किया था वो भी बच्चों ने दोबारा से यहाँ परफॉर्म किया लेकिन हुआ ये कि सारीम साहब जब फुटबॉल खेलते हुए गिर गए तो उनके आगे घुटने पर चोट तो उन्होंने फिर पार्टिसिपेट नहीं किया था तो हम लोग बैठ के देख रहे थे और मैंने बना ली थोड़ी सी मूवी बच्चों की और यह हमारे घर के पास पार्क सा बना हुआ काफ़ी अच्छी सी एरिया बना हुआ है जहाँ पे फुटबॉल के लिए भी जगह बनी हुई है बास्केटबॉल खेल सकते हो आप लोग और काफ़ी अच्छा खुला सा जगह बनी हुई है तो यहाँ पे था कि जो मदर्स एंड फादर्स ऑफ द बॉयज़ थे उन्होंने केक लेके आना था और जो फादर और मदर्स ऑफ द गर्ल्स थी उन्होंने चाय कॉफी लेके आनी थी बाकी स्कूल जो है उन्होंने ड्रिंक्स दिए थे और डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेटें वगैरह थी और यहाँ पे जो था आप ले सकते थे लॉटरी टिकट ले सकते थे लेकिन आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर बड़ा मज़े का इनका गौरव का ये होता है कि आपने एक गिफ्ट जो है अपने घर से खुद लेके आना होता है जिसकी कीमत पचास करोड़ तक हो सकती है तो वो आपने भी देना होता है इधर फिर आप सारे जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने जो दिया होता है गिफ्ट उसके बाद फिर आप टिकट लेते हो तो फिर आपका कुछ ना कुछ इनाम निकलता है यानी कि कुछ जरूरी नहीं कि आपका निकले लेकिन जिस किसी का भी निकल आए बच्चे वो एक टिकट जो है उठाते हैं तो उसमें अगर आपका नंबर लग गया तो आपको इनाम मिल जाता है मजे की बात है कि इस तरीके से ये लोग अपनी क्लास के लिए जो पैसे वो जमा करते हैं और यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि देखें इतना सारा कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ था कोई ऐसा नहीं हो रहा था कि कोई मतलब एक दूसरे के ऊपर जी कर रहे कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली खाने को या मुझे वो चीज़ नहीं मिली या क्राउडेड हो रहा है शोर शराबा हो रहा है या कोई गंद फैला रहे हैं मतलब मैं देख के बड़ा हैरान हो रही थी कि माशाल्लाह से ये जो लोग हैं नारवेजन जो हैं मतलब यहाँ नॉर्वे में और भी मुल्कों में ऐसा ही होता होगा लेकिन नॉर्वे के लोग बहुत ही डिसिप्लिन हैं मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि सारे इन साहब का निकला था इनाम और ये देखिए जी सारे के निकले थे जी सब बॉल्स थे छोटे छोटे से आई थिंक सिक्स पीसेस थे तो वही बात है कि खुशी होती है और ये लोग जो पैसे यहाँ पे जमा करते हैं ये बच्चों के ऊपर ही खर्च किए जाते हैं इनका कोई ना कोई और पार्टी रखी जाती है या जैसे कि इन लोगों ने आई थिंक सेवन ग्रेड में इन्होंने जो है जाना है अपने एक ट्रिप पे जो वन वीक का होगा तो उसके लिए भी ये लोग पैसे जमा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मतलब कि स्कूल वाले इस चीज़ में हिस्सा डालते हैं पेरेंट्स वगैरह साथ में जो है मिल करते हैं तो बहुत अच्छी ये रूटीन्स वगैरह हैं बहुत अच्छा लगता है मुझे और ऐसे हमारे मुल्कों में भी होना चाहिए और आई थिंक होता है क्योंकि घर से आप चीज़ें वगैरह लेके आते हो और ये और वो सारा जो है तो हर मुल्क का जो है अपना एक तौर तरीक़ा होता है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नॉर्वे में जिस किस्म की जो काफ़ी हद तक जो कुछ होता है काफ़ी अच्छे तरीके से होता है और यहाँ पर आगे जी हम बाद में सेंटर और ये हमारे घर के करीब वाला सेंटर है और जी सबसे पहले तो हमें लगी प्याज तो आए हम यहाँ पे एस्प्रेसो हाउस पे यहाँ से हमने लिए इनके दो नए ड्रिंक्स आए हुए थे समर ड्रिंक्स आए हुए थे हमने लिया था जी लेमनेट और बच्चों ने भी कोई लेमनेट टाइप ही लिया था अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सा वाला लिया उन्होंने तो इधर हम लोग काफ़ी दफ़ा के यहाँ से मैं यहां से में लेती हूँ तो यहाँ से मैं आपको बताती चलो कि यहाँ से मैं लेती हूँ अपना जो है वनीला सिरप जो मैं अपनी कोल्ड कॉफ़ी में डालती हूँ वो मैं यहाँ से लेती हूँ बॉटल जो है तो यहाँ पर कभी मैं अंदर आके नहीं बैठी हुई लेकिन बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ हम लोग आए इधर इंजॉय किया हम लोगों ने अपना ड्रिंक को बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ इन्होंने यहाँ पे आ गया जी अप सारी हम सब सारीम साहब से और आपको बताते चलूँ कि गर्मी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी हो रही है नॉर्वे में तो जितनी देर गर्मी है उतना हम इन्जॉय कर रहे हैं उसको और बहुत खूबसूरत इन्होंने एरिया बनाया हुआ सिटिंग एरिया बनाया हुआ इनके पास काफ़ी मज़ेदार से सैंडविचेस वगैरह भी हैं सैलड वगैरह भी हैं काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें हैं बाकी कॉफ़ी ले सकते हैं आप कोल्ड कॉफ़ी ले सकते हैं स्लश ले सकते हैं काफ़ी कुछ है बहुत मज़े का यहाँ पे सब कुछ जो है ले सकते हैं आप लोग और यहाँ पर फिर आगे मैं देख रही थी बैग्स को बैग दिल था मेरा लेने को तो मैंने एक छोटा सा जो है लिया है ब्राउन से कलर का आपको दिखाऊंगी फिर अपने किसी ब्लॉग में और फिर उसके बाद जी सलीम साहब के यानी कि लास्ट डे तो स्कूल का वो नहीं था लास्ट डे फ्राइडे था तो इनको इजाजत देखिए थोड़ी बहुत जो है कैंडीज़ वगैरह साथ लेके आ सकते थे साथ में कोई फिजी ड्रिंक लेके आ सकते थे और साथ में अपना जो है लंच बॉक्स तो यहाँ पर जी सारिम साहब ले रहे हैं अपने लिए कैंडीज़ और ये जी हैं हल कैंडीज़ और उसके बाद आपको बताती चलूँ कि हमारे इधर जो है लगा हुआ था इस तरह तीन दिन का मेला टाइप सा कह लें तो ये टॉली वगैरह लगी हुई थी और आपको बताते चलूँ कि बेटे ने दी थी दो टिकटें यहाँ की तो फिर आना तो बनता है और आपको बताती चलूँ कि मौसम जो है बहुत ज़बरदस्त था इस दिन जिस दिन हम लोग इधर आए तो यहाँ पे जी मेरे पसंद के कभी झूला था लेकिन मैंने झूला नहीं लिया सारीम साहब ने लिया था झूला यहाँ पे और इनके भाईजान ने लिया था और बेटी यहाँ पे जीती जी काफ़ी सारे बॉल्स जो होते हैं खेलने के लिए आगे जा के आपको दिखाते हैं तो काफ़ी गहमा गहमी थी काफ़ी रौनक थी क्योंकि जैसे कि आपको पता है तो छुट्टियां भी आ चुकी हैं तो फिर मज़ा आता है थोड़ा सा बाहर फिरने फिर आने का तो काफ़ी लोग जो हैं इकट्ठे हुए हुए थे यहाँ पे और मौज मेला मौज मस्ती हो रही थी बहुत मज़ा आ रहा था ये आगे जिस सारिम साहब ये इनकी फेवरेट राइड है तो फिर से इन्होंने ये राइड ली तो खूब इंजॉय किया लेकिन ये जो है यहाँ पे काफ़ी शरारती बच्चे थे इनके इनकी एज के ही थे तो ये गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती हैं तो बस बहुत मज़ा आया इन लोगों को और आप बताइएगा कि आप में से कौन कौन राइड्स लेना पसंद करते हैं मुझे तो बहुत मज़ा आता है और आप लोग बताएं जी आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है यहाँ पे तो माशाल्लाह माशाल्लाह ट्वेंटी फोर टेम्परेचर चल रहा है ट्वेंटी फोर है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी वन ट्वेंटी कि बहुत ज़बरदस्त धूप बड़ी अच्छी निकली हुई है तो खूब इंजॉय कर रहे हैं हम लोग माशाल्लाह माशाल्लाह और गेस कीजिएगा जी बन गया हमारा ट्रिप कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये मैं साल सबको गाइड कर रही थी कि आप लंबा चक्कर लें कि आप मतलब क्राउडेड ना हो आप लंबा लंबा चक्कर लेके जो है गाड़ी चलाओ बहुत मज़ा आ रहा था बच्चों को देख के यकीन करें कि और यहाँ पर फारक हो गया और ये देखें कि मैं आपको इन बच्चों के बारे में बता रही थी खैर साल कह रहा था कि बहुत मज़ा आया तो देखें जी काफ़ी लोग आए हुए थे बहुत अच्छा लग रहा था मौसम बहुत ज़बरदस्त था और फिर जी बनती है स्लश का टाइम और यहाँ पे स्लश टूबी बन रही थी और ये आ गया जी मेरा फेवरेट राइड लेकिन आपको बता दी चलो कि धूप बहुत ज़्यादा थी तो फिर मेरे सर में दर्द होती है तो मैंने ये राइड नहीं ली तो बेटे ने ये राइड ली थी तो मुझे बार बार कहते कि मामा आप ही मेरे साथ ले लो मैंने कहा नहीं मैं नहीं लूँगी तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने राइड नहीं ली और यहाँ पे देखिए जी बहुत सारे जो है गेमिंग स्टॉल्स थे लेकिन मैंने कहा कि आगे इतना कुछ घर में पड़ा हुआ है तो फजूल लग रहा था मुझे मैंने कहा नहीं आप ऐसे कोई भी स्टॉल से जो है ना टिकट ना लें तो फिर आगे हम लोग आए यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता रही थी छोटे छोटे से स्टॉल्स लगे हुए थे बीफेस्टिन कहते हैं इसको और यानी कि कुछ दुकानों ने कह लें अपना जो है ऐड देने के लिए बाहर स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए थे और आपको बताते चलूँ कि और ये जो सारी होती है पार्टीज़ वगैरह होती हैं उन्होंने भी अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे तो बड़े मज़े की बात है कि सारे जी पीसफुल इकट्ठे खड़े थे तो और इन्होंने छोटे छोटे कोई गेम वगैरह रखी हुई तो आ, आप इनाम जीत सकते थे और आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा इन्होंने एक पानी के भी वो बनाई हुई है आप क्विज़ कर सकते हैं कि कितना पानी यूज़ किया जाता है पूरे मुल्क में और कहाँ से आता है साफ पानी और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे फिर आप एक बोतल जीतते हो तो फिर उन्होंने उन टूटी लगाई हुई है पानी की फ्रेश पानी की वहाँ से पानी भर सकते हो हर साल ये हम लोग यहाँ पर आते हैं और हर साल आके मतलब जो इंजॉय करते हैं यहाँ पर तो बहुत मज़ा आता है और आपको बता चलूँ कि इस फर्स्ट टाइम जो यहाँ पर आए जी हमारा पाकिस्तानी रक्षा भी यानी कि जो है फूड ट्रक जो था वो भी आया हुआ था उनके पास समोसा चाट समोसे कबाब काफ़ी कुछ था बहुत मज़े का लेकिन इनकी क्यू काफ़ी लंबी थी तो फिर हम लोगों ने वहाँ से नहीं खाया तो फिर उसके बाद हम लोग जो चले गए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए या मैकटॉन सब मुझे सही याद नहीं आ रहा क्योंकि लास्ट वीक का ब्लॉग है जो कि मैं आज एडिट कर रही हूँ और ये जो मैं आपको पानी वाली जगह का बता रही थी बड़ा मज़े का था ये छोटी छोटी से मतलब कह लेंगे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है और बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे हम लोग भी हिस्सा ले रहे थे मैंने मेरे बेटे ने हिस्सा लिया इधर और यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी ये पानी की बॉटल्स आपको देते हैं तो फिर आप यहाँ से फिल कर सकते हैं तो वो बता रही थी कि आप पूरा वीक जो यानी कि तीन चार दिन जो यहाँ पे थे आप पूरा वीक इस दर के फिल कर सकते हैं अगर आपके पास बॉटल है तो तो बहुत अच्छा लग रहा था और ये आ गया जी हमारा फूड ट्रक और पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहरा रहा है और यहाँ पर सब लोगों ने अपना ऑर्डर दे दिया हुआ है और वेट कर रहे थे क्योंकि दो ही बंदे थे मेरे ख्याल में जो इस फैन में काम कर रहे थे रिक्शा जो है पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड बहुत मज़े का इनका खाना होता है बहुत पहले मैंने यहाँ से समोसा चाट खाई है तो बहुत ज़बरदस्त और यहाँ पे जी आ चुके हैं नारविजन स्ट्रॉबेरीज और पाकिस्तानी मैंगज़ बहुत ज़्यादा मैंगो आ चुका है यहाँ पे मज़ेदार सा मशाला माशाला बहुत खाया हम लोगों ने ये देखें जी फ्रेश पेट यहाँ आ रही थी अंद का इसका तो क्लिप बनता है और यहाँ पर देखें जी नई बिल्डिंग बनी थी मैंने मैं कहा भी थोड़ा सा कैप्चर कर लें इसको भी और काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी भी थी यहाँ पे क्योंकि काफ़ी लोग आए हुए थे जी फिर आए हम लोग मैकडॉनल्ड्स क्योंकि हम लोगों को लग गई भूख और यहाँ पे टाइम था जी आई थिंक तीन चार बजे का टाइम होगा तो फिर हमने कहा कैसे करते हैं यहीं से कुछ थोड़ा सा खा लेते हैं आइए आ गया जी थम्स अप माशाल्लाह सारिम साहब की तरफ से और सारिम साहब ने ऑर्डर किया जी अपना वेजी बर्गर और हम लोगों ने लिया जी फिश बर्गर और थी यहाँ तक की, की जर्नी आपकी और हमारी उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा अपने और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी की दुआओं में याद टेक केयर अल्लाह हाफ